तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यह है अर्थला मेट्रो स्टेशन रेड लाइन का। दोस्तों, यह अर्थला का मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का। दोस्तों देख सकते हो तस्वीर है, और ये चली जाती है दिलसाद गार्डन होते हुए सीधे आपका 30,000 कोर्ट होते हुए ये सीधा आगे जाके निकलेगा। और ये आ जाती है हिंडन एलिवेटेड, ये देख सकते हैं, ये 6 लेन का 10 किलोमीटर का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है दोस्तों। और ये आ जाती है हिंडन रिवर, ये गाजियाबाद की जो हिंडन रिवर है वो है ये दोस्तों। और आगे इससे आगे आगे इस पर हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन आएगा अभी रेड लाइन का, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये जा रही है रेड लाइन की मेट्रो, और ये अभी बनाया है जल्दी में ही, ये देख सकते हो फुटओवर ब्रिज, पहले नहीं था ये, क्योंकि अभी शमशान घाट है यहाँ पे। और ये आ जाता है रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन हिंडन, ये हिंडन का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों रेड लाइन का। देखो वो रखा है हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन रेड लाइन, और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे आगे, तो वैसे ही आप लोगों को दिल्ली मेरठ RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, गाजियाबाद का। आपको दिखाते हैं चल के गाजियाबाद के स्टेशन पे, जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है रैपिड रेल का स्टेशन, देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा है। और इस पर रूफ टॉप का जो काम था वो कर लिया जा चुका है, अब साइडों के जो डिजाइन बनाने का काम है वो किया जाएगा, और जो कॉन्क्रीट लेवल है उस पर अभी काम चल रहा है। इस पर एक्सीलेटर भी लगाए जाने हैं, लिफ्ट भी लगाई जानी है दोस्तों, ये देख सकते हो कुछ ऐसा है। और ये रेड लाइन को, ये पहला तो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, दूसरा एक फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है ये दिल्ली मेरठ RRTS दोस्तों। देखो यहाँ पर ये इन्होंने ये पिलर बना लिए हैं, ये देख सकते हो रेड लाइन के, वो सॉरी रैपिड रेल के, देखो ये पिलर बनाए जा रहे हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट के, ये देख सकते हो। और वो फूड प्लाजा बनाया जा रहा है उधर साइड में, इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट 5 बनाए जा रहे हैं, 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने वाले हैं गाजियाबाद के स्टेशन पर। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो स्टेशन है दोस्तों रैपिड रेल का, वो सबसे बड़ा गाजियाबाद के अंदर है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है, इसकी काफ़ी हाइट है, क्योंकि ये भविष्य में ये हापुड़ के लिए, और आपका ये जाएगा बुलंदशहर यानी कि खुर्जा, भविष्य में इसमें चलाई जा रही है
अभी तो मंजूरी कुछ नहीं मिली है, तो इस पर यहाँ से दो लाइन का, अभी दो लाइन यहाँ से कनेक्ट की जाएंगी, एक तो खुर्जा वाली की जाएगी दोस्तों, दूसरी हापुड़ के लिए की जाएगी दोस्तों। कुछ ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है देख सकते हो, और आगे आप लोगों को दिखाते हैं चल के। ये सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लाइन सीधी आपको बता दूं कि ये आ रही है दोहाई डिपो से दोस्तों, दोहाई डिपो के लिए चली जाती है। तो सारा काम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इस पर अब ट्रायल किया जा रहा है रैपिड रेल का, जो कि 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती, अभी ट्रायल किया जा रहा है। तो इस पर सारे में ओवरहेड वायरिंग का काम कर देने के बाद में दोस्तों अब इस पर चल रही है, बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है। जो काम बचा है, जो वर्क बचा है, वो सिर्फ स्टेशन का ही बचा हुआ है दोस्तों। और इधर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, वो सामने उस साइड में देख सकते हो, वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। और तीसरा ये यहाँ पर बनाया जा रहा है, यहाँ सामने तो सूरज पड़ रहा है तो आप ज़्यादा चमकेगा नहीं दोस्तों, देख सकते हो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है यहाँ का, ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट इस जगह पे। और यहाँ पर ये वर्क चल रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है इस जगह पे। तो चलते हैं आगे और दिखाते चल के आगे का इस साइड में, ठीक है, आगे का भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, ये गाजियाबाद का RITS का स्टेशन दोस्तों। देख सकते हो ये चमक रहा है ना आप सभी को, ये देखो ये ऐसा वर्क चल रहा है इस पर अभी। तो अभी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि मार्च में इन्हें आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों। और ये न्यू गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का दोस्तों, ये सामने वाला देख सकते हो, ये सामने चमक रहा है दोस्तों, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन न्यू बस अड्डा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया, देख सकते हो ये सामने, ये रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन है। और जैसे ही हम घूम जाएंगे वैसे ही आप लोगों को दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की लाइन देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो इस स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा दोनों को, कि जो मेरठ से आने वाले हैं और दिलसाद गार्डन जाने वाले हैं वो यहीं पर उतरेंगे, फिर ये रेड लाइन को ले लेंगे दोस्तों। तो अभी आपको बता दूं जो साइड का डिज़ाइन बनाने का काम चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस एंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा KP संत के। ये वर्क चल रहा है यहाँ पर, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। आपको बता दूँ कि जो स्टेयर हैं उन पर पत्थर लगाने का काम चल रहा है, मतलब सारे फ्लोरों पर इस पर पत्थर लगाया जा रहा है। और इधर ये फूड प्लाजा बनाया है, जो आम पब्लिक आएगी जाएगी उसके लिए यहाँ पर ये फूड प्लाजा है जो बनाया जा रहा है इस साइड में ये वाला। और उधर स्टेशन का पार्ट होने वाला है, तो यही वर्क चल रहा है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे। ये है कुछ ऐसा गाजियाबाद RRTS का स्टेशन। अब इस पर जो क्रेन मशीन लगी हुई थी उसको ये तोड़ा जा रहा है, वो JCB मशीन तोड़ रही है। और देखो यहाँ पर लगी हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर फ्लोरिंग का काम, ये कंक्रीट डाला जा रहा है इस साइड में भी देख सकते हो। यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है दोस्तों, कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो देखो ये फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है, और यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए ये पिलर भी बना दिए इन्होंने, जिस पर अब पियर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों। तो कुछ ऐसा है, और टीम देखो ये यहाँ पर वर्क कर रही है NCRTC की, ये देख सकते हो ये टीम वर्क कर रही है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का देख सकते हो ये, ठीक है, आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।